ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 56, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ क्वाइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या गिवन है, dA by dt गिवन है, और dA by dt गिवन है करंट बिकम 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर, तो करंट का चेंज 2 माइनस 1 है, टाइम आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, सेल्फ इंडक्शन आपको बताना है, L की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में E का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और सेल्फ इंडक्शन की फॉर्म में माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वैसे EMF क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई को क्या लिख सकते हैं, बी इन टू एरिया। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर ले, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूला ही इंड्यूस्ड EMF के हैं, तो यहाँ से इक्वेट करके आपको L निकालना है, चेंज इन करंट आपको पता है, टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता है, मतलब dA by dt आपको पता है, और B आपको पता है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पता है सीधा, dA by dt की वैल्यू सीधी पता है, और आपको इसमें चेंज ऑफ करंट भी पता है, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये भी पता है, तो यहाँ से सॉल्व करके L कैन बी कैलकुलेटेड। तो मतलब बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूलाज को इक्वेट करके आपको L निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर करंट थ्रू 4.6 हेनरी इंडक्टर, तो आपको इसमें L पता है, इंडक्टर L पता है, इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ, तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये आपको वैल्यू पता है, करंट टाइम के साथ तो वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ dI by dt, तो dI by dt की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको इंड्यूस्ड EMF निकालनी है, जब टाइम इंटरवल कितने हैं, 5 से 6 मिलीसेकंड, तो एक काम करते हैं, 5 से 6 मिलीसेकंड में चलते हैं, 5 से 6 मिलीसेकंड के अंदर dI by dt की वैल्यू निकालते हैं, स्लोप निकाल लो dI by dt, तो dI आपको पता है 5 और dt आपको पता है 1 मिलीसेकंड है, तो इसको 10^-3 सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास dI by dt की वैल्यू आ गई, आपको इसमें L पता है, इंड्यूस्ड EMF क्या होती है, माइनस L dI by dt, L आपको पता है, dI by dt इस राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके EMF की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा पता है, ओमेगा कैसे, क्योंकि रेडियंस पर सेकेंड है, तो आपको इस क्वेश्चन में रेडियंस पर सेकेंड की वैल्यू पता है ओमेगा, एंड पीक वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर इज एज शोन इन अ फिगर इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इफ द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1.5 हेनरी, एल आपको पता है, द वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना म्यूचुअल इंडक्शन पता है एम, तो एक बात तो पक्की है, फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी निकालने के लिए काम करना पड़ेगा आपको, डी आई बाई डी टी के लिए ये ले लो, ये स्लोप ले लो, तो ये स्लोप आपको क्या देगी, डी आई बाई डी टी। प्रॉब्लम यह है कि टाइम क्या लें, ये टाइम क्या लें, ये टोटल टाइम कितना है कैपिटल टी, आधा टाइम कितना है टी बाई टू, आधे से आधा टाइम कितना है टी बाई फोर, और कैपिटल टी आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ओमेगा पता है, ओमेगा क्या होता है 2π / कैपिटल टी, वहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी आ गया वहाँ से कैपिटल टी बाई फोर भी आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास अब क्या आ गया, आपको आपके क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, माइनस एम डी आई बाई डी टी, फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाना है माइनस एम डी आई बाई डी टी, एम की वैल्यू मुझे पता है, डी आई आप निकाल लेना, डी टी आप निकाल लेना टी बाई फोर, और कैपिटल टी निकलेगा 2π / ओमेगा से, यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, माइनस एम डी आई बाई डी टी में डी आई बाई डी टी कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, तो जब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो इंड्यूस डी एम एफ माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है, तो ये ई एम एफ नेगेटिव आएगी, देख रहे हो नीचे की तरफ है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा नीचे से होता है और फिर ऊपर होता है, तो जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है ना, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो आपकी इंड्यूस डी एम एफ हमेशा नेगेटिव है, और जब डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो आपकी इंड्यूस डी एम एफ हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में व्हेन अ सर्टन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट ईएमएफ ई एंड इंडक्टेंस एल और रेजिस्टेंस आर इज क्लोज्ड, द
एक बैटरी लगा दी, एक इंडक्टर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया, ई लग गया, आर लग गया और एल लग गया, इसको क्लोज कर दिया। करंट इन इट इंक्रीजेज विद टाइम अकॉर्डिंग टू कर्व वन, तो करंट जो है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर वन पैरामीटर ई एल या आर को हमने चेंज कर दिया, तो कह रहे मैंने ई लगाया, बैटरी लगाई, इंडक्टर लगाया, रेजिस्टर लगाया, और फिर मैंने कोई एक फैक्टर तीनों में से एक चेंज कर दिया, वो नहीं बताऊंगा क्या चेंज किया, तो मेरा करंट और टाइम का ग्राफ ग्राफ नंबर टू बन गया। तो बोलो मैंने क्या चीज चेंज की और वो चीज़ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये भी बताएं आपको कि मुझे क्या पता इसमें से क्या चीज होगा। पता लगेगा चार ऑप्शन को देखो, चार ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, या तो एल चेंज हो रहा है या आर चेंज हो रहा है, यानी कि एल या आर में से आंसर है। रजिस्टर को चेंज करके कोई फर्क ना पड़ता, इंडक्टर को चेंज करने से फर्क पड़ता है, क्योंकि ईएमएफ क्या होती है इंडक्टर में, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि आपने बैटरी ई को तो चेंज किया नहीं, तो ई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो एल इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। तो जिसकी और ये आई और टाइम का जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या होगी, डी आई बाई डी टी। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है, वन नंबर की स्लोप ज्यादा है और टू की स्लोप कम है, अगर वन नंबर की स्लोप ज्यादा है तो एल उसका कम है। तो आपने एक चीज नोट की, आपका ग्राफ वन से टू बन गया, आपकी स्लोप ज्यादा से घट गई, स्लोप घटने का मतलब आपका एल बढ़ गया, तो आपका आंसर है एल विल इंक्रीज। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि एल इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लोप जब डी आई बाई डी टी घटेगा तो आपका इंडक्टर बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, स्विच एस ऑफ अ सर्किट शोन इन अ फिगर इज क्लोज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब करंट क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ग्रोथ ऑफ करंट का क्वेश्चन है ये। बैटरी लगी हुई है, एसी नहीं है इसमें लगा हुआ, तो बैटरी लगी हुई है, करंट बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, करंट बढ़ेगा और बहुत देर के बाद क्या होगा, इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा और इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट को ये रोकेगा और ये करंट को बिल्कुल जाने नहीं देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी, लेकिन करंट को तो बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटनी है घटनी है घटनी है। ग्रोथ ऑफ करंट में अगर आपको याद होगा कि करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता था, हमने किया था ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता था, तो ईएमएफ यहां पर एक्सपोनेंशियली घटेगी और बहुत टाइम के बाद टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। इसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करो विद करंट। अब उसने जो पिछला क्वेश्चन पूछा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ घट रही है ये पता लग रहा है, और बहुत टाइम के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल जीरो हो रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का रिलेशन बताना है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है और करंट भी एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आप इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा दें। किरचॉफ लॉ में माइनस से प्लस है तो प्लस सी, करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस आई इन टू आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ में करंट बढ़ रहा है, स्विच ऑन करती करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ईएमएफ घटेगी, तो इसलिए यहां पर किरचॉफ लॉ में क्या आएगा, माइनस ई इक्वल टू जीरो। तो लूप घुमा दिया, किरचॉफ लॉ लगा दिया, यहां से सॉल्व करके स्मॉल ई एक तरफ, आई एक तरफ, मैथ का रूल लग गया। तो इसमें वाई एक्सिस में ई है, एक्स एक्सिस में आई है, तो इसके अंदर ग्राफ कोई भी कर्व तो बन नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मेडिकल के लोग समझ लें, नॉन मेडिकल में को समझ में आ रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये, तो इसके अंदर वाई एक्सिस में ई एम एफ है और करंट जो है वो आई है, वैसे भी यही ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास हो नहीं सकता, ये लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ओरिजिन से पास तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम ई तो आ ही रहा है और नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो ये ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ये क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हमने किया था जब हमने टाइम कॉन्स्ट, जब स्विच ऑन करते ही बताया था कि इसमें करंट हर सर्किट में क्या होगा रिपीट है,
क्वेश्चन नंबर 11 हमने अपनी बुकलेट में काफ़ी बार किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस किरचॉफ लॉ से निकालना है, मैंने बताया हुआ है इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें, आज आपके पेपर चल रहे हैं, आधा सिलेबस है, आज से 3 महीने के बाद पूरा सिलेबस आएगा दिसंबर में, प्री बोर्ड है, देने ज़रूरी हैं, मिस भी नहीं कर सकते, और उसके 30 दिन के बाद आपका मेंस का पेपर है। और नीट वाले भी खुश ना हों, नीट वालों के पास भी इतना ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो बोर्ड, फरवरी बोर्ड है, मार्च बोर्ड है, 30 दिन बाद नीट का पेपर है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप ये मत सोचें कि खुला टाइम है, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो वैसे तो मैं बता ही दूंगा, फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, इसको काउंट नहीं करना चाहिए कभी भी, इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट चलते हैं बस, कुछ नहीं है इसमें, 3-3 घंटे के 15 मॉक टेस्ट चलेंगे डेली, तो आपका सिलेबस 30 तारीख दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए, बात ही ख़त्म है। तो आपके पास सिर्फ ये महीने बचते हैं, ये भी आता, इसी में प्लस टू है, इसी में प्लस वन है, और इसी में पी है, सी है और एम बी है। प्रेशर वाली बात है, सोचने वाली बात है, छोटी बात नहीं है ये, ठीक। तो सारी गेम, सिलेक्शन की गेम एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, किसका सिलेबस जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि जिसका सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा वो विनर है, क्योंकि उसके बाद रिविजन का टाइम है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, प्रेशर में आ जाएंगे, क्रिकेट मैच की तरह बॉल है नहीं, रन ज़्यादा मारने आउट, बात ही ख़त्म, हिम्मत हार जाएंगे ना, बातें ख़त्म हो जाएगी, सारी गेम इस पर डिपेंड करती है। तो अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, स्ट्रैटेजी बनानी है प्रॉपर, अक्टूबर में बना के दूंगा, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, जो लोग कर सकते हैं मैंने बताया था, उल्टा स्टार्ट करते हुए अपने सिलेबस को जल्दी ख़त्म करेंगे, जो कर सकते हैं तो 1 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा और वहाँ पर प्लस वन फिट होएगी, ताकि दिसंबर के अंदर आपका पेपर भी निकल जाएगा और प्लस वन भी 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी, ठीक। अभी नहीं, 10 दिन में बता दूंगा क्या करना है आपको, आप पहले सितंबर के एग्ज़ाम दे लें, फिर थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए अपने स्पीड को पिक करते हुए पेपर को बाहर निकालेंगे और निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इतना भी इतना टाइम है कि हो जाएगा काम, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि आपने एक स्विच को दबाना है, स्विच दबाते ही टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर कहता है कि मैं करंट को पास होने दूंगा नहीं, बात ही खत्म। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर तो करंट को पास होने देता ही नहीं है, तो सारा करंट यहां से आ जाएगा, तो कितना करंट होगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 10, तो कितना करंट हो गया, 1 एम्पियर। फिर उसके बाद टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इंडक्टर प्योर जो है, इंडक्टर कुछ नहीं कहेगा, लगाओ ना लगाओ फर्क तो है नहीं, तो करंट इसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं, एक वायर ही लगा लो सिंपल, तो करंट सब में जाएगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरल में, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज में, तो करंट क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय टोटल आंसर निकाल देना आंसर। तो ये आपको करंट की वैल्यूज निकालनी है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो और एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्लियर है यहाँ तक, और फिर रेशियो निकालनी है दोनों करंट की। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर करंट पास नहीं होने देता, और टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक, उसको लगाओ ना लगाओ कोई चक्कर नहीं। फिर मिलता जुलता क्वेश्चन है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, स्टेडी करंट, कॉन्स्टेंट करंट, यानी कि इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें करंट क्या होगा, देखो लॉन्ग टाइम में इंडक्टर ने कोई रेजिस्टेंस ऑफर करनी है नहीं, तो ई डिवाइडेड बाई, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो बस आंसर आ गया E डिवाइडेड बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इज़ आंसर, क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फॉर नॉन मेडिकल,
क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर है, रेजिस्टर है, बैटरी है और स्विच है। आपको ये बताना है कितना मैंने टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसको ऑन कर दिया। अब करंट इसमें बढ़ना 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 स्टार्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करंट इसमें बढ़ेगा। आपको ये बताना है कि एक टाइम कॉन्स्टेंट में कितना चार्ज इसमें मूव कर गया, तो आपको चार्ज बताना है इन वन टाइम कॉन्स्टेंट। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए करंट इसके इक्वल बढ़ेगा। मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट कब होगा, स्टेडी स्टेट पे बहुत देर के बाद, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाई आर होगी। मैक्सिमम करंट आई नॉट क्या होगा, ई बाई आर होगा। और टाइम कॉन्स्टेंट आपको पता है, क्योंकि करंट इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, हर इंस्टेंट पर चेंज कर रहा है। तो पहले स्मॉल चार्ज निकलेगा आई डी टी, आई की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टाउ तक, अपने मैथ्स में इंटीग्रेशन कर रखी है, इसे इंटीग्रेट करके चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है यहाँ तक। तो ये नॉन मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शीट नंबर 57 में से है। शीट नंबर 57 का एक सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें भी आरएमएस निकालना है, कुछ करना नहीं है। आप क्वेश्चन जो करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें पहले, 3। क्या क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल वी गिवन है। आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी गिवन है और ये वोल्टेज किस में अप्लाई की जा रही है, रेजिस्टर में। आपको बताना है टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो पहले एक बात बताओ, रेजिस्टर में करंट क्या होगा, रेजिस्टर में करंट होगा आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट में फेज तो सेम ही होता है, पाई बाई टू का चक्कर तो होता नहीं है। तो रेजिस्टर में ये करंट है और तुमने टाइम निकालना है जब करंट आरएमएस जितना हो जाएगा। तो आरएमएस जितना करंट कितना हो गया, आई नॉट बाई रूट टू। तो इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट बाई रूट टू, ओमेगा टी सेम रहेगा यहाँ पर 100 पाई टी, 1 बाई रूट टू साइन कब होता है, पाई बाई फोर 45 डिग्री पे, कैंसिल करके टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज और करंट की ये दो इक्वेशंस गिवन है, बस आपको ये बताना है कि कौन आगे कौन पीछे। आगे पीछे में, आगे तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि जिसमें एंगल प्लस है वो आगे है और जिसमें माइनस है वो पीछे है। तो इस क्वेश्चन में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, पहला पॉइंट है। कितने एंगल से, तो आप ये पूरे एंगल में से इस पूरे एंगल को माइनस कर दें, और माइनस तब कर सकते हैं, ये एक कंडीशन है, जब दोनों साइन और साइन हो। आप साइन के एंगल में से कॉस के एंगल को माइनस नहीं कर सकते, तो आप साइन के एंगल में से साइन के एंगल को ही माइनस कर सकते हैं, या कॉस के एंगल में से कॉस के एंगल को ही माइनस कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में इन दोनों एंगल्स को आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये वैल्यू आएगी पाई बाई थ्री। तो आंसर क्या आ गया, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री। तो समझ में आ रहा है क्या इसमें रूल लगाना है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किसी भी सर्किट में करंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टू रूट टी। आपको दो और चार सेकेंड के बीच में आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस का फॉर्मूला सबको पता है, आई स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन है। टाइम की लिमिट क्या लगेगी, दो से चार, क्योंकि आंसर किस में निकालना है, दो से चार। और आई की वैल्यू है कितनी, टू रूट टी। तो यहां पर आई की जगह टू रूट टी का स्क्वायर, दो से चार की इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन ऑफ आरएमएस कैसे यूज करनी है इसमें. मैच द फॉलोइंग. तो वो आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है करंट की और आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यूज को मैच करना है. तो अगर इक्वेशंस की बात करें ये तो बहुत आसान है. इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, एक्स नॉट बाई रूट टू. ये रही एक्स नॉट बाई रूट टू. राइट, क्लियर है. अब ये जो इक्वेशन है वो मैथ वाले समझ पाएंगे, मेडिकल वाले देख लें. ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा x नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास x नॉट बाई 2. आरएमएस वैल्यू क्या होएगी, x नॉट बाई 2 को रूट 2 से क्या कर देना है, डिवाइड, मैच कर लेना. आरएमएस वैल्यू आ गई. तो पहले यानी कि फंक्शन या साइन में कॉस में तो बनाना ही पड़ेगा आपको इसमें. और ये वाला तो शॉर्टकट मैंने करवा रखा है आपको. अगर एक साइन और एक कॉस है और इनके कोफिशियंट एक्स नॉट और एक्स नॉट है, तो ऐसे केस में आप मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर. वो पीक वैल्यू आएगी, उसको रूट टू से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये शॉर्टकट हमने किया था, साइन का कोफिशियंट और कॉस का कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट आपको मैक्सिमम करंट देगा. मैक्सिमम करंट को रूट टू से डिवाइड करके आंसर आएगा. वैसे मैच दी फॉलोइंग है, पता लग ही रहा है इसका आंसर क्या है. तीसरे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, दो से आंसर पता लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर करंट की वैल्यू टी स्क्वायर है, आरएमएस करंट क्या होगा? आरएमएस करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या करवाई थी, आई स्क्वायर डी टी. अब करंट आपका कितना है, टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी की पावर 4. और कहाँ से कहाँ निकालना है, आरएमएस 0 से कैपिटल टी के बीच में. तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से कैपिटल टी. टी रेज़ टू पावर 4 के इंटीग्रेशन क्या है, टी की पावर 5/5. सॉल्व करके आंसर. तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है आरएमएस की, आई की वैल्यू पुट करते जाओ, इंटीग्रेशन लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा. क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, ये कौन सी डेफिनेशन लगानी है, ये किया हुआ है क्वेश्चन हमने 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कुछ मैथमेटिक्स करने की जरूरत है ही नहीं. आपको ये डायग्राम गिवन है, रेक्टिफायर होगा कोई, हम करेंगे बाद में रेक्टिफायर क्या होता है, पर आपको ये डायग्राम पता है, करंट और टाइम का ग्राफ पता है. करंट और टाइम के ग्राफ में ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये जो पहला आप कर्व देख रहे हैं ये तो पुराना साइन वाला कर्व ही है. और ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जो एवरेज वैल्यू होती है 0 से कैपिटल टी बाई 2 तक निकलती है. तो 0 से कैपिटल टी बाई 2 में एवरेज वैल्यू तो वही रहेगी 2/π(I₀). ऑलरेडी क्लास में इसकी डेरिवेशन की हुई है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल चाहिए नहीं ना हमें, तो 0 और कैपिटल टी बाई 2 के बीच में साइकिल चाहिए. और ये साइन वेव है या ये वाली वेव है, उसमें फर्क तो है ही नहीं कुछ भी. तो एवरेज वैल्यू की वैल्यू विल रिमेन सेम. समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो. ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है. इसका आंसर ये ऑप्शन गलत है. ये वही क्वेश्चन है कि जब करंट और टाइम में करंट बढ़ रहा होगा तो स्लोप di/dt बढ़ रही है तो आपकी EMF नेगेटिव से स्टार्ट होगी, और जब di/dt घटेगी तो आपकी EMF पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये ग्राफ बनेगा. इसका आंसर चारों में से गलत है. ये रिपीट है, अभी किया भी था हमने क्वेश्चन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है ये इंडक्टर का है, कैपेसिटर का कि रेजिस्टर का? इंडक्टर का। क्यों? क्योंकि देखो एम अगर वोल्टेज है, ये देखो अगर एम वोल्टेज है, साइन वेव है ये, और ये माइनस कॉस है, देख रहे हो एन करंट है, एन करंट है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है, ऐसी है। तो एन का ग्राफ पीछे है और एम का ग्राफ आगे है, कितना? एक साइन है एक माइनस कॉस है, तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू से पीछे है, पीछे को क्या लिखते हैं? माइनस। और इसमें एक और चीज निकालनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे? अगर आप एक वेव ले लें, ये वेव का टाइम पीरियड कितना है? 0.4, और 1 बाय टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो 2.5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो टाइम पीरियड एक पूरी वेव का टाइम पीरियड है, और 1 बाय टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वोल्टेज की वैल्यू वी ऐसे गिवन है, देखो ये ना चेंज हो गई, हमारी वोल्टेज हमेशा वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से। तो ये कॉस फंक्शन है, तो वोल्टेज कॉस फंक्शन है, और किस में पास किया जा रहा है? इंडक्टर में। तो करंट पाई बाय टू पीछे हो जाएगा, तो पीछे होने का मतलब साइन फंक्शन बनेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, साइन फंक्शन। भाई अगर वो वोल्टेज है तो ये करंट है, तो कॉस और साइन में फर्क आएगा, पाई बाय टू से साइन बन जाएगा। इसका किया हुआ है, ये सब किए हुए हैं, कुछ नहीं करता इसमें। नेक्स्ट है 57 के बाद 58 में ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहला देखो वो कह रहा है जी क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है? तो अगर तो ये डीसी हुआ, फिर तो किरचॉफ लॉ से चेकिंग हो जाएगी। कैसे? 10 एम्पियर का करंट है और वो 15 और 5 को देने से रहा, 10 15 और 5 कैसे दे देगा? नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये एसी हुआ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें फेज नहीं मुझे पता कौन आगे और कौन पीछे है। पर हाँ ऐसा हो भी सकता है कि नेट करंट की वैल्यू क्या है? कम है, और इंडिविजुअल करंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता कि बीच में कौन इंडक्टर कौन कैपेसिटर है। तो मैं कह भी नहीं सकता, ना मुझे फेज पता, ना इंडक्टर पता, ना कैपेसिटर पता, तो मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। तो ये नो की तरफ ही जाएगा, मैं इसको डीसी मान के करूँगा, एसी लिखा भी नहीं हुआ वैसे भी, तो डीसी है तो ये नो ही रहेगा इसमें। और जब पेपर में आएगा बोल के थोड़ा आएगा एसी की डीसी, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो बंदा डीसी लेगा, एसी में तो इंडक्टर कैपेसिटर लगा के देगा, तो डीसी में तो आंसर नो ही रहेगा। तो ये तो फेज हमने किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी एंड एल है, और हमने लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वैसे देखा जाए तो, लास्ट लेक्चर में काफ़ी वैरायटी हुई है और वो सारी वही कॉम्पिटिशन में आती भी वही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में फेजर किस में बनता है? करंट में बनता है। तो अगर ये आई आर है या आई सी है और ये आई एल है, लास्ट टाइम मैंने बनवाया था, सीरीज के अंदर वोल्टेज में बनता है और पैरेलल के अंदर करंट में फेजर बनता है, ऐसा किया था। बाकी इस पूरे असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक एनसीईआरटी के सीरीज लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ नया नहीं है इसमें कि मैं डिस्कस कर सकूं। तो एनसीईआरटी में जो हमने काम किया वही है, आप इसके होमवर्क नोट करें, आप इसे खुद ट्राई करें, मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। नई चीज़ कुछ नहीं है इसमें, नई चीज़ करेंगे आज हम। आज हमने ई एम वेव भी करना है, बट बिल्कुल नया कुछ अलग चीज़ करनी है, अभी हम ई एम वेव स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट पावर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन,
तो क्या क्वेश्चन है? आर एम एस करंट इन द सर्किट इज गिवन, आई आर एम एस गिवन है, इफ द वॉटलेस करंट गिवन है तो पावर फैक्टर क्या है? देखो पहली बात, जो वॉटलेस करंट है मैंने लिखवाया था, वॉटलेस करंट क्या होता था, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। तो आप यहाँ से वॉटलेस करंट आपको पता है, आई आर एम एस आपको पता है, सॉल्व करके साइन फाई आएगा, साइन फाई से फाई आएगा, पर पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। तो फाई की जगह पुट करके कॉस फाई से आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर पता है, रेजिस्टर पता है, सीरीज में है तो आरसी सर्किट हो गया, इसमें ई आरएमएस पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड पावर डिसिपेटेड क्या है? एक काम करो, पावर फैक्टर होता क्या है, आर बाई जेड, आर आपको पता है, सीरीज के अंदर आर और सी है तो जेड भी आप निकाल लेना, तो जेड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, तो आर बाई जेड से पावर फैक्टर आ गया। एक चीज़ आ गई, आपको पावर डिसिपेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाई जेड, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड। अब आपने कॉस फाई तो निकाला हुआ है 0.6, वी आर एम एस आपको क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, ये रहा वी आर एम एस, और जेड आपने निकाल दिया, सॉल्व करके पावर डिसिपेशन आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल क्वेश्चन है ये, इसे देख लो, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग टोटल पावर रेटिंग ऑफ 1000 वॉट, तो आपको एवरेज पावर गिवन है इसमें, सप्लाइड बाय एसी वोल्टेज, ई की वैल्यू आपको गिवन है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ सर्किट करंट क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर तो वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, आपको ये देखो 310 t ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी के पीछे क्या लगा होता है, फाई, तो फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 60, आपको इसमें वी नॉट बाई रूट टू में वी नॉट की वैल्यू, यानी कि पता है ई नॉट या वी नॉट एक ही बात है, वी नॉट पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, आई नॉट, आई नॉट आ गया तो आई आर एम एस, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं एनसीईआरटी लेवल पे, जो हमने पावर की असाइनमेंट की थी ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी आप होमवर्क नोट करें और दोनों शीट्स में अपलोड कर दूंगा, तो जब आप ट्राई करेंगे एक एक क्वेश्चन तो आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप ट्राई करें। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।